विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत, जिसे पूरी दुनिया आशा और विश्वास से देखती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत अमृत काल में पूरी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। राजमार्गों का अभूतपूर्व गति से निर्माण आज है बढ़ते भारत की नई पहचान। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पिछले 8-9 वर्षों में पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश कर भारत 80,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण कर चुका है। इसी दिशा में एक नया अध्याय है 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये एक्सप्रेसवे आधुनिक कनेक्टिविटी, किफायती लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में गेम चेंजर साबित होने वाला है और देश के विकास को अधिक गति देने वाला है। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति के विजन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस विजन को और मजबूती देगा। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव और महाराष्ट्र को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ता है। पर्यावरण और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें 3 एनिमल अंडरपास और 7 ओवरपास का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस राजमार्ग के किनारे 20 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का ये प्रतिबिंब है। यात्री सुविधाओं के लिए इस एक्सप्रेसवे पर 94 वे साइड एमिनिटीज स्थापित की जा रही हैं, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप, दुकानें, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ड्राइवर रेस्ट एरिया शामिल हैं। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी, ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्थानीय कला और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए यहां विशेष हाट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे 20,000 से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण है। इससे दिल्ली से फिरोजपुर झिरका, अलवर, बांदीकुई, दौसा और सवाई माधोपुर तक का सफर तेज और आसान हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 3.5 घंटों में तय हो सकेगा, जिसमें अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं। जयपुर, सरिस्का, केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर जैसे पर्यटन केंद्रों का और विकास होगा। यात्रियों और कारोबारियों को सुविधा होगी। स्थानीय किसानों और कारीगरों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पहुंच को और सुगम बनाने के लिए 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, जिनमें पहला है 2020 करोड़ रुपए की लागत वाला बांदीकुई से जयपुर जाने वाला 67 किलोमीटर लंबा 4-लेन स्पर। दूसरा, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अंबाला कोटपुतली 6-लेन कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 3,775 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला 86 किलोमीटर लंबा 6-लेन स्पर तथा 93 किलोमीटर वाला 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लालसोट करौली खंड का 2-लेन पेव्ड शोल्डर।
देश की राजधानी और मुंबई महानगर को वर्ल्ड क्लास सड़क से जोड़ने वाला और दूरियों को समेटने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनी बनकर उभरेगा और अमृतकाल के विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा।